अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसन ज़ीर और आप देख रहे हो अमेजिंग केसर टीवी। मौजूद नाज़रीन, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का 29 रुकनी स्क्वाड का बाकायदा ऐलान हो चुका है और इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर शामिल होंगे मुकम्मल तफसील से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते जाएँ कि मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम की वापसी हो चुकी है और मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम इन 29 रुकनी स्क्वाड में मौजूद हैं। नाज़रीन, 29 जो खिलाड़ी कैंप के लिए मदऊ किए गए हैं इनमें बाबर आजम, मोहम्मद रजवान, साइम यूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला खान, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद खारिस, सलमान अली आगा, आज़म खान, इफ्तार अहमद, अरफान खान न्याजी, शादाब खान, अहमद वसीम, असामा मीर, मोहम्मद नवाज़, मेहरान मुमताज़, इब्रार अहमद, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली को दोबारा से मौका दिया गया है जबकि मोहम्मद अली, जमान ख़ान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमर जमाल, हारिस रऊफ को भी शामिल किया गया है जबकि जो 29वां खिलाड़ी है वो मोहम्मद आमिर होंगे। इन्हीं शायकीन क्रिकेट एक तवील अरसे के बाद मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम के लिए खेलता हुआ दिख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।